गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, आई होप आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से रीड किए होंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रंगों का त्यौहार, चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ त्यौहारों के नाम दिए हुए हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं। क्या आपको पता है रंगों का त्यौहार कौन सा होता है? बच्चों, रंगों का त्यौहार होली होता है। आज हम इस चैप्टर में होली के बारे में पढ़ेंगे। होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर अमीर गरीब छोटे बड़े का कोई भेद दिखाई नहीं देता। सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम से होली मनाते हैं। आप लोग भी होली मनाते हो ना, हम एक दूसरे पर रंगें डालते हैं और बहुत अच्छे से होली मनाते हैं। दादा जी ने दादी जी से सबके पुराने कपड़े निकालने के लिए कहा। दादी जी ने सबके लिए पुराने कपड़े निकाल कर रख दिए, क्योंकि हम होली पर पुराने कपड़े पहनते हैं ना। गौरव ने दादी से पूछा, दादी माँ, ये कपड़े तो पुराने हैं, आपने इन्हें क्यों निकाला है? दादी जी ने कहा, बेटा कल होली का त्यौहार है इसलिए। गौरव ने कहा, पर दादी माँ, त्यौहार पर तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर आपने पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? दादी बोली, बेटा जब कल हम होली मनाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। यह कहकर दादी माँ ने बताना शुरू किया, पुराने समय की बात है, एक राजा था, वह ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था। उसका एक बेटा था, वह ईश्वर का भक्त था। राजा चाहता था कि उसका बेटा प्रजा की तरह उसकी ही पूजा करे, ईश्वर की नहीं। राजा अपने बेटे से नाराज रहता था। एक दिन राजा ने क्रोध में अपने बेटे को जान से मारने का विचार बनाया। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक अग्निरोधक चादर थी, उसे ओढ़कर आग में बैठने पर भी शरीर नहीं जलता था। होलिका राजकुमार को गोद में लेकर आग में बैठ गई। उसने सोचा राजकुमार जल जाएगा। थोड़ी देर में तेज हवा चली जिससे चादर उड़कर राजकुमार पर आ पड़ी। दादी फिर क्या हुआ? गौरव ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने कहा, राजकुमार बच गया, होलिका जलकर राख हो गई। तब से लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके होलिका दहन करते हैं, इसे धर्म की जीत भी कहते हैं। गौरव ने पूछा, फिर पुराने कपड़ों का क्या करते हैं दादी माँ? दादी माँ ने कहा, बेटा पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर अपने साथियों पर डालते हैं। कुछ लोग रंग बिरंगे गुलाल उड़ाते हैं। नए कपड़े खराब ना हो इसलिए पुराने कपड़े पहनते हैं। गौरव ने कहा, दादी माँ, मैं भी कल सबके ऊपर रंग डालूंगा। दादी माँ बोली, बेटा होली मेलजोल का त्यौहार है, इसे हमें प्रेम से मनाना चाहिए। अच्छा, अब तुम अपने दादाजी के साथ बाजार जाओ, कल के लिए ढेर सारा गुलाल, रंग और पिचकारी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए गुजिया और मिठाई बनाती हूँ। ठीक है दादी माँ, अब पता चला कि होली के दिन पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं। यह कहते हुए गौरव दादाजी के पास दौड़ता हुआ चला गया। तो बच्चों, आपको भी समझ में आया हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं?